कि ये भगानू है, आप इस पोखरे की देख रेख करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सरवन। सरवन नाम है आपको? भगानू लोग कहते हैं। अच्छा, ये जो पोखरा है, ये जो है ताल है, इसमें जो है इसके साथ लगे हुए आगे पीछे तक 12 ताल हैं, जो बहुत लंबी दूरी तक है, जिसको मैं जो है कवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शाम हो गई है और अगर पूरा कवर करूँगा तो अंधेरा हो जाएगा इस ताल की ही वीडियो बनाने में। इसकी वीडियो अगली बार बनाऊँगा, आप लोग जो है इंजॉय करिए तब तक। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। इस वक्त मैं गांव में अपने गांव में खेत में सिवान में आया हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, तो मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए और एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ में जो है हमारे हेल्प कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अबूजर, जो CA कर रहे हैं, इनका इंटर फाइनल हो गया है और CA में इनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। और एक और चीज़, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिए अपना, वहाँ भी उनका BCOM में एडमिशन हो गया है, इनका जो अगले महीने से क्लास है। तो दुआ करिए कि जो है ये सफल हो और हम आपके साथ, हमारे साथ बने रहिए, आज आपको आगे तक दिखा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुलनी जिस पे हम खड़े हैं, ये कोई नहर का नज़ारा नहीं है, ना ये नदी का नज़ारा है, ये जो है बाहा है जिससे जो है पानी गांव का क्रॉस होके आगे निकल जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है, अब यहाँ से हम लोग आगे जा। ये भगानू है, आप इस पोखरे की देख रेख करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सरवन। सरवन नाम है आपको? भगानू लोग कहते हैं। अच्छा, तो रात में भी आप यहाँ रुकते हैं? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? सूरज। सूरज, सूरज तो डूब गया है। ये देखिए, ये भगानू के बताने के हिसाब से एक शेरू है, एक साफा है, एक कुत्ता, एक कुतिया, दोनों इतना ज्यादा भूख रहे हैं कि उनके भौंकने की डर से जो है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। सूरज डूबने के बाद सूरज जो है हम लोगों को लिवा के जा रहे हैं शेरू के पास, और शेरू से मुलाकात करवाएंगे। Thank you.
अच्छा, ये देखिए, ये शेरू और सूसा का मकान है, इसी में दोनों रात में सोते हैं। ये ट्यूब है, इसी में जो है, इसी के सहारे ये सब लड़के जो है मछली मारते हैं पैर उसमें कूद के। अभी हम आपको यहाँ से अपने गांव का भी नजारा दिखाएंगे। ये देखिए सोलर पैनल भी लगा हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से जो है पोखरा तैयार हुआ है, और यहाँ पे इसी से बिजली पैदा करके ये पानी, ये देखिए यहाँ से मोटर से पानी स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल के मेगावाट से, और ये पानी जो है यहाँ से पाइप के थ्रू चारों तरफ पोखरे में पूरा घुमा हुआ है। और यहाँ से देखिए हमारे गांव का नजारा दिखाई देगा आपको, क्योंकि ज्यादा दूरी पे है तो इसीलिए पूरा जूम नहीं होता। अब हम लोग वापस गांव की तरफ जा रहे हैं, और जो रास्ता दूसरी तरफ से गया हुआ है, ये एक हमारे गांव की कब्रिस्तान के पीछे से रास्ता होते हुए ये मेन रोड पे निकल जाएगा, और वहां तक जो है हम जाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल कलीम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए। आगे रास्ता टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से पैदल जाना होगा। ये जो बाउंड्री वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा आगे तक पूरा एरिया ये कब्रिस्तान का एरिया है। ये देखिए चारों तरफ से ये पूरा कब्रिस्तान का है। आगे रोड कटा हुआ था तो इसीलिए हम जो है, देखिए अबूजर साहब जो है दूसरे रोड से आगे आके मेरा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू अबूजर। देखिए ये गांव के बाहरी छोर से आके मुझको दिवाने के लिए आगे खड़े हैं। साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल कलीम ब्लॉग अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।